3 बजे से चार के 2 बजे निकले, 120 रुपये काम किया, क्या गाड़ी की दिहाड़ी निकाले, शीशे टूटे पड़े गाड़ी के, क्या पाजी ये हालत कर दी हमारी। किसने? सब जिस जिस मर्जी को वोट दें उसने उसने की हालत, यही हालत कर दी। बिल्कुल, और क्या। ये देख लो हमारी, मेरी कितनी उम्र है, आप कितनी समझ रहे हो? अभी तो लग रही है 25 साल की लग रही। नहीं, मेरी 35 साल उम्र है। ये देखो दाढ़ी के बाल भी सफेद आ गए, बस और क्या। क्या बात है जी, 30-35 साल के और 25 साल बोल रहा। 35 साल बोला मैंने, मैंने झूठ। अरे तो ऐसे ही बोला जाता है, कम बोला जाता है तब आदमी सही रात उम्र बताता है। हाँ ऐसा ही है, हाँ मरी गए। क्या बात है बाजी। तो आज बात होगी कि ईवीएम की लहर या मोदी की लहर। मोदी की लहर है, मोदी मोदी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान के नागौर के रहने वाला हूँ। नागौर के रहने वाले हैं, तो ये मोदी लहर है। हाँ, मोदी लहर है जी। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान सिरोही माउंट आबू। माउंट आबू के? तो कौन सी लहर है ये जो चल रही है? मोदी लहर। हम तो कह रहे हैं गरम गरम लू चल रही है। लू तो चल रही है। क्या बात, क्यों साहब, क्या है? तो ईवीएम की लहर, मोदी लहर, कौन सी लहर? मोदी लहर है सर। मोदी लहर है, क्यों साहब? देखिए सर, जनता अब जज्बातों से नहीं जा रही, जनता जा रही है विकास पर, प्रगति पर। और जो इशारा दे रहे हैं ये वोट और जनता का मिजाज, वो ये है कि भारतीय लोकतंत्र एक स्थायित्व की तरफ जा रहा है, उठापटक की राजनीति छोड़कर विकास पुरुष के साथ जा रहा है। क्या बात है साहब, आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा छोटा सा नाम है शांति स्वरूप। शांति स्वरूप जी ने बात कही, लेकिन ये बात तो अरविंद केजरीवाल कुछ और कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र, वो एक प्रवक्ता है पिछड़ी हुई पार्टी की, अब वो पिछड़ी हुई पार्वती के प्रवक्ता हैं, पिछड़ गए। अब वो जो मर्जी कह सकते हैं, उनके हमें हर एक बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और धैर्य पूर्वक चलना। हमें अपनी राजनीति करनी है अच्छे कामों को लेकर, अच्छे कामों के लेकर। शांति स्वरूप जी ने बता दिया अच्छे कामों के लिए। क्या बात है भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा रचित। हाँ, रचित। रचित, क्या रच रहे हैं आजकल? आजकल बीजेपी की। हैं? बीजेपी की। बीजेपी, 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 मोदी लहर, ईवीएम की, मोदी जी ईवीएम में कह रहे हैं कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ ईवीएम में कुछ ऐसा हो जाता है बाबूजी कि वो वोट जो है सब पड़ जाते हैं, ऐसा है? जब केजरीवाल थे जब उनके टाइम नहीं हुआ ये। अरे भाई हमसे हमसे क्यों नाराज हो रहे हैं? हम तो ये वो कह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन बाबूजी एक बात बताएं, अगर आज चुनाव हो जाए, कौन वाले दिल्ली वाले चुनाव अगर आज हो जाए, तो किशोर जी बता देंगे कि क्या ट्रांसलेट होके आपके सामने आ जाएगा। तो चलते जरा किशोर जी बताइए कि अगर आज चुनाव हो जाए तो ट्रांसलेशन अगर हो जाए तो क्या निकल के आएगी तस्वीर? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं आज चुनाव हो जाए, नहीं आज चुनाव हो जाए की बात नहीं है। जो आज जो वोट पड़े हैं या आज जो नतीजे आए हैं एमसीडी में, जो वोट पड़े आज जो नतीजे आए, उन नतीजों को अभी हमने वार्ड में देखा, वो ट्रांसलेट हो जाए। हाँ, कि वार्ड में देखा कि बीजेपी ने 66 वार्ड जीत लिए उत्तरी दिल्ली में, 70 जीत लिए दक्षिणी दिल्ली में और 48 जीत लिए पूर्वी दिल्ली में। लेकिन अगर ये वोट जो है विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिए जाए, विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिए जाए, तो बीजेपी ने 57 सीट जीत ली है। एक तरह से 57 सीटें बीजेपी के साथ खाते में जाती दिख रही हैं, 6 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और 5 कांग्रेस के खाते में। 57, 5 और 6, 5 कांग्रेस की, 6 आम आदमी पार्टी की। याद रखिए आम आदमी पार्टी के पास 67 सीटें थी 70 में, 57 बीजेपी को जा रही है प्रतीक। और ये टोटल मिला के 68 क्यों हो रहा है, ये एक बार फिर साफ कर देते हैं। 2 सीटें बाकी बची कौन सी हैं? एक सीट है नई दिल्ली की और एक विधानसभा सीट है दिल्ली कैंट की, जहां पे एमसीडी नहीं है। नई दिल्ली में एनडीएमसी है और दिल्ली कैंट में कैंट का बोर्ड है। नई दिल्ली की वो सीट है जहां अरविंद केजरीवाल जहां से खुद विधायक हैं। लेकिन बाकी जो 68 सीट है उनमें 57 सीट इन वोटों के आधार पर बीजेपी को जा रही है प्रतीक। बिल्कुल, आपने जो आंकड़ा बताया है वो बेहद चौंकाने वाला, बेहद रोचक। अगर ये बाबूजी, वही मैं बात कर रहा था कि अगर ये जो एमसीडी के चुनाव के जो नतीजे हैं उनको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं विधानसभा में, तो ये 57 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आएंगे, आएंगी, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आएंगी। अरे मैं तो आएंगी नहीं, आएंगी नहीं बता रहा, मैं तो ये ऐसा होगा, हो जाए तो हो जाएगा। अरे हाथ मिलाएंगे आप? क्यों क्यों मिलाएंगे हाथ आप? हमने बस आपसे देखने की इच्छा। किसे? आपको टीवी पे। अरे हमको देखने की इच्छा नहीं, कि अरविंद केजरीवाल से मिल के आई है। अरविंद केजरीवाल से तो हम लोग बराबर मिलते हैं, लेकिन ये एमसीडी के चुनाव ने उनका अपना पोल खोल दिया है। अपना पोल खोल दिया जनता। तो भाई कहे भाई, आइए, कहाँ जा रही हैं आप? आइए आइए, कहाँ कहाँ से होके आ गई, कहाँ जा रही थी बताइए जरा। जी जी, ओखला। ओखला से आई हैं, तो ये एमसीडी के चुनाव में क्या कह रहे हैं आप, आपको क्या लगता है बताइए साहब। हाँ, जैसे कि है ये वो कह रहे हैं कि ईवीएम की लहर है, आम आदमी पार्टी कह रही है ये मोदी लहर नहीं है। नहीं नहीं, मोदी लहर है, जो बात मोदी लहर है। हाँ जी,
अप्रैल है। ईवीएम वगैरह का तो जब भी अगर कोई पार्टी हारती है तो ईवीएम को कहता है। सलाम अलैकुम, आइए तशरीफ ले आइए। अरे आइए, ऐसा कभी कभी बात भी कर लेना चाहिए। वो किनारे से निकल चले जाते, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये हमारे लखनऊ में तो बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता इस बात को। आइए 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 इधर आइए, आ रहे आ जाएंगे जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो ईवीएम के तो जो भी पार्टी कम रहती है, कभी भी वोट कम पड़ते हैं तो वो बाद में किसी ना किसी के ऊपर तो मटकी फोड़नी होती है। हाँ जी, तो वो तो अंगूर खट्टे होने वाली बात है, अंगूर खट्टे होने वाली बात है। तो आपने देख लिया एमसीडी का चुनाव, तो अब ये लगता है कि जो दिल्ली में, लेकिन गंदगी तो कम नहीं हुई नजर आई आपको? लगी कुछ कम नहीं, पानी लाइट वाइट इन सबसे सब तो कुछ भी कम नहीं हुआ। वैसे ही है सब कुछ, वैसे के वैसे ही सारे वादे वैसे के वैसे। अच्छा मुझे बताइए, मैं आप बस आप उधर आप जाएं उधर तरफ, क्योंकि चांदनी चौक की मार्केट इस समय रौनक होने वाली है और मैं इस तरफ का रुख करूं, मुझे एक चीज ये बताइए कि हार क्यों हुई केजरीवाल जी की, क्या कारण लगता है आपको? वादे पूरे ना होने, जो जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। क्या नाम हो गया आपका साहब? कादिर। कादिर, कादिर। आपका नाम? साइमा। साइमा, साइमा और कादिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप रुक करें उधर बाजार की तरह, तो इनका कहना कि वायदे पूरे नहीं हुए। भैया ऑटो वाले भैया, ऑटो जरा चला के दिखाओ। चला तो रहे ऑटो, क्यों तो मजा नहीं आ रहा क्या ऑटो में? मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। क्यों, क्या उसमें कमी क्या हो गई? सारे झूठे वादे हैं जी, बिल्कुल केजरीवाल जी के झूठे वादे सारे। अरे तो ऑटो वाले भैया तो बहुत विश्वास कर रहे हैं। विश्वास कर रहे, तोड़ दिया विश्वास सारा, धोखा दिया है। ऐसा क्या धोखा दिया उस आदमी ने? ऐसा तो देखो, कहने को तो कुछ भी कह दो भाई, वादे करे थे कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं, क्या ऐसी बात कैसे? देखो बिजली का बात, अभी गोपाल कृष्ण जी को जरा बुला लाइए, जरा वहाँ बगल में बैठे। तो देखिए, उन्होंने बिजली का वादा पूरा किया, पानी का वादा पूरा किया। भैया आगे आओ, ऑटो वाले भैया। कॉलोनी में आज भी पानी नहीं है, हमारी कॉलोनी में आज भी पानी नहीं, जहाँ मैं रहता हूँ। कौन सी कॉलोनी में? ये मुस्तफाबाद वार्ड। मुस्तफाबाद पाजी याद है मुझे, तो मुस्तफाबाद पाजी याद है, गजब का वहाँ पे शो किया था मैंने। तो आपका नाम क्या हो गया भैया? छोटेलाल शाह। छोटेलाल शाह जी। तो छोटेलाल भैया आप कहाँ रहते हैं? हम रहते करावलगढ़ में। करावलगढ़ में वहाँ पानी बिजली का वादा? पानी की भी कमी है वहाँ पर। तो सारा दोषारोपण अरविंद केजरीवाल जी का? बिल्कुल कमी है, सारा उन्हीं की कमी है। लोग डब्बे ले लेके बाहर बाहर पानी भरते मारते मारे मारे फिरते हैं शास्त्री नगर में, शास्त्री पार्क में। शास्त्री पार्क में हाँ, पूरे खजूरी तक के लेके तो सारा जो कुछ किया धरा था वो सब अरविंद केजरीवाल जी के सर पे फोड़ दिया तुमने। ये कहा कि ये नहीं, ये तो नाइंसाफी है। हंसते हो यार फिर? पहले वोट दिया 67 सीटें, अब उनके सर पे मटका फोड़ना है केजरीवाल जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए और पंजाब घूम रहे हैं, ये कोई मुख्यमंत्री? अच्छा काम क्या करते हो ये बताओ बाबू? मैं तो जेंट टेलर का काम करता हूँ, दर्जी की लाइन पे। दर्जी की लाइन पे? हाँ जी। हल्के में मत लेना, यहाँ पे वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी चीजें तुरपाई कर देते हैं। देखा आपने, इन्होंने बता दिया कि वहाँ पंजाब घूम रहे हैं, यहाँ पानी नहीं मिल रहा। जो जहाँ का अगर घर का गार्जियन हो वो बाहर घूमेगा, घर का गार्जियन का सदस्य क्या करेगा? वो अपने आप मर्जी से जो मर्जी आएगा वही करेगा दिमाग में। हाँ, घर का गार्जियन, 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 मुख्यमंत्री गार्जियन होता है। पंजाब नहीं जाना चाहिए था, ये एक फॉल्ट हुई है, क्या कहते हैं बाबू जी? हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ वही सही कह रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, सही है, सही सही कह रहा है। क्या सही कह रहे हैं? वो तो घर जो घर घर छोड़ के बाहर जाएंगे तो घर कोई दूसरे में पे घर आके कब्जा करेगा ही। तो ये एक मसला है, और ये मसला ये अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब नहीं जाना चाहिए था और वो पंजाब गए, ये गलती की है, वही हारने का कारण हुआ। ये दर्जी वाले भैया हैं और वो ऑटो वाले भैया, ऑटो वाले भैया ने सही बात बताई और ये दर्जी वाले भैया ने। रात को मुख्यमंत्री बनना चाहते, सुबह प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, यही तो ढूंढ रहा था मैं। क्या नाम हो गया गुरुजी? शैलेंद्र अग्रवाल। शैलेंद्र अग्रवाल, शैलेंद्र अग्रवाल, और जो जेब में हाथ है और जो अकड़ और जो बढ़िया तानदारी बात कही है, क्या मजा आ गया। हाँ मिला यार, वाह क्या बात है। यानी एक दिन मुख्यमंत्री और दूसरे दिन पीएम, तो ये चीज दूसरी थी जो शायद गड़बड़ कर गई। गड़बड़ करने गई, गड़बड़ ही इसने कर दी। अच्छा, और 16,000 की थाली, अरे 16,000 वाली थाली तो देखो भाई, जबरदस्ती गले पड़ गई, हमें लग रहा है। बिल्कुल पड़ गई, गले पड़ गई, लेकिन मानने को तैयार नहीं है अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी। ये कहती है कि जो ईवीएम है वहीं से सारा चीजें गड़बड़ है। जब हार जाओगे कोई बहाना नहीं मिला तो ये बहाना ही होगा कि ईवीएम पे ठीक रहा फूट जाएगा। जीत जाते हैं तो ठीक, ईवीएम बढ़िया काम करिए, 67 आई तो ईवीएम फर्स्ट क्लास है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। सारे मुद्दा को छोड़ के वो सिर्फ ईवीएम के पीछे पड़ गए हैं। अगर 67 जिनको मिली तो ठीक है,
50 सीटें मिली थी, खराबी है और कोई मुद्दा नहीं। ऐसी ऐसी बातें कह दे तो तुम्हारे लिए तो वो फुटपाथ पे सोए थे जाड़े में रजाई के साथ वहाँ पे फुटपाथ भी नहीं लूंगा, बंगला भी नहीं लूंगा, सारा काम ले रहे हो। तो वो तो बंगला गाड़ी के लिए मना कर रहे थे कि मैं साइकिल से चलूंगा, अब क्यों गाड़ी ले रहे हो? तो बताओ बीजेपी वाले हो तुम? मैं किसी भी नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ। क्या बात है, और बीजेपी के प्रवक्ता मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, और इस मुस्कुराहट भाई वाजिब है भाई, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। मैं इस मुस्कुराने का राज पूछूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पाजी हम न कहीं जा सकते और न तुम कहीं जा सकते, दोनों लोग बंधे हैं एक डोरी से, अभी आए बस बैठे रहो। तो पाजी ये जो आप दिखा रहे हो देश की मशहूर बाजार चांदनी चौक है, और पाजी आज जो यहाँ पे मौजूद हैं बात करने के लिए भैया जी कहीं में, वो बात ये कि लहर कौन सी चल रही है, कौन सी चल रही है लहर? मोदी लहर चल रही है गुजरात वाले। गुजरात का? आप गुजराती हैं? गुजराती हूँ। अच्छा, कहाँ थे अभी तक? कहाँ थे अभी तक? अच्छा आप लोग गुजराती? नहीं सर, मैं यहीं का हूं। आप गुजराती हैं? तो ये लहर चल रही है गुजरात से? गुजरात से चल रही है सर, मोदी लहर चल रही है। लेकिन सर मोदी जी काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने स्कूलों में कोई हालत अभी सही सुधारी नहीं है सर। अभी नहीं सुधारी? नहीं सर, नीचे वाले लोग काम करने तैयार नहीं है। हाँ। नीचे स्कूलों में टीचर नहीं है। हाँ। बच्चे बाहर भाग जाते हैं। हाँ। कोई उनका वो नहीं है। वो आपकी से कह रहे हैं, मनोज जी कह रहे हैं जो नए प्रेसिडेंट हैं, कि सब कुछ टाइट कर देंगे और सब कुछ सही टाइट करेंगे। लेकिन सर अभी तो टाइट नहीं किया ना। हाँ। चार पांच साल से ऐसी हालत है सर, कोई बच्चों को। लेकिन फिर भी जीत गए, कैसे जीत गए यार? जीत गए अच्छी बात है, जीते हैं काम, अच्छी बात है जीते हैं, मोदी जी की लहर है जीते, अच्छी बात है। पब्लिक के लिए ही वो किया गया है। क्या यही जो चुनाव हुआ है ये पब्लिक ने ही एक तरफा चला है? अच्छा, एक तरफा चला है। हाँ, क्योंकि लिए विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है ना। क्यों आम आदमी पार्टी विकल्प इतना बड़ा, देश की राजनीति में इतना बड़ा विकल्प था? आम आदमी पार्टी के ऊपर से भरोसा उड़ गया ना, उन्होंने काम नहीं किया सर। काम कुछ नहीं किया, मगर उनका काम दिख नहीं रहा। आम आदमी पार्टी काम क्या कर रहे हैं बताइए, कोई काम नहीं किया बताओ। बहस होने लगी, मैं आपको तारुफ करा दें, गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, गोपाल अग्रवाल जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आज तो आपको बहुत बहुत बधाई हो साहब। नहीं बिल्कुल, जनता को बधाई है, खुशखबरी की बात है, लेकिन पूरी ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस के साथ हम देश यहाँ पे दिल्ली की जनता को धन्यवाद भी देना चाहते हैं, और जो विश्वास और अब किसे काम करेंगे, 10 साल के जो नहीं हो पाया वो इस बार काम करेंगे। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बात काम किए और आने वाले 3 साल में जो सचिव गोपाल जी आपके 10 साल के काम पे नहीं मोदी जी के नाम पर वोट मिला है? नहीं देखिए, एक बदलाव की पूरी आंधी पूरे देश में चल रही है, और जहाँ भी आप देखिए मोदी जी के लिए बहुत विश्वास है। मोदी जी ने जो काम किया है 3 साल में, जो गरीबों के कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए, उन सब कामों के लिए बहुत बड़ा विश्वास है जनता में, बड़ा विश्वास है जनता में। आप मुस्कुराते क्यों रहे थे जब ये बोल रहे थे? सुन रहा था सर, मैं कहना चाहता हूँ सर कि अभी 10 से 15 सालों में बीजेपी थी इसमें आपका एमसीडी के अंदर, और आपने देखा होगा जब तक इनका राज रहा है, जब तक इन्होंने एमसीडी में रहे हैं, कुछ काम नहीं दिखाया, बल्कि कूड़े ही कूड़ा को दिखा है। कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं, सड़क कूड़ा सड़क पर दिखा है सबसे नंबर पहली बार, क्योंकि ये पहले से ही थे। अभी जब ये आया, आप बिल्कुल सही बोले कि सिर्फ एक मोदी ब्रांड के नाम पे दिल्ली की पब्लिक ने वोट दिया कि शायद मोदी अब आगे काम करवाएंगे। क्या क्या बाबूजी, क्या क्या कह रहे हैं? नहीं बात बिल्कुल आ गया, ये कैसे बात करेगी ब्रांड के नाम पे वोट? मोदी जी के ऊपर से वोट मिला है मेरे हिसाब से। अगर पब्लिक को देना चाहिए था तो इस बार कांग्रेस को एमसीडी के अंदर लाना चाहिए था, ऐसा ऐसा ऑप्शन बनाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दें, आंकड़े ये कह रहे हैं कि 90 लोगों के जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे 90 लोग के, चाचा 90 लोगों की जमानत जब्त हो गई, और आम आदमी पार्टी के 40 लोगों की जमानत जब्त हो गई। लहर किसकी थी? वो तो साफ दिखता है, साफ दिखता है, हाँ दिख रहा है और क्या। अच्छा ये जो साफ साफ दिख रहा है, इसके लिए हमसे 15 सेकंड लेते हैं, 15 सेकंड बाद हम लौटेंगे तो फिर हम बताएंगे ये साफ साफ क्या दिख रहा है। तो वही बात हो गई, बात पर हम लौट के आ गए, और मैं ये जानना चाह रहा था कि इतना अच्छा मिला 67 सीटें, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? पब्लिक में कॉन्फिडेंस है, मोदी जी के ऊपर भी कॉन्फिडेंस है, जमा है, विश्वास जमा है, विश्वास जमा है, कॉन्फिडेंस जमा है, जमा है। क्या कारण हो सकता है? ये अब तक जो ठोस
रिजल्ट दिखला रहे हैं वो डिलीवरेंस जो है उनकी डिलीवरी जो है वो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं मोदी जी की। और मोदी जी के काम करने का स्टाइल एक बात, मोदी जी की जो डिलीवरी है काम करने की वो एक प्रभावित कर रही है, या मोदी जी एज अ ब्रांड जो है वो सिक्का जो है वो चल रहा है, बाकी काम तो अभी देखना है बाकी है, ये किन तीनों में कौन बात सही है चाचा बताओ सही। अभी काम बहुत बाकी है। देखो चाचा ने सोचा, जब ऑप्शन दिया तो सोचा, अभी कोई कह रहा था ये ऑप्शन नहीं है। गोपाल जी देखिए, एक तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के जो जो राजनीति है नकारात्मक, उससे भी परेशान थी। अब उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया तो उसे काम करना चाहिए था। और एक दूसरी तरफ आप देखिए तो मोदी जी के लिए जो 3 साल में काम किया उसका पॉजिटिव स्टैम्प है, जनता ने उसको पसंद किया। और केवल केंद्र की सरकार नहीं, प्रदेशों में भी देख लीजिए, 13 प्रदेशों में भाजपा की सरकार है और हर प्रदेश में किसी न किसी तरह से वो अगर इवैल्यूएशन होता है तो उसमें सरकार भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसका लिए थक गए होंगे ना? नहीं, मोदी जी कितना भारी देखे, कुछ भारी नहीं, वजन नहीं है, भारी तो है वजन नहीं है कुछ। घर जाना चाहिए था आपको सीधे, लेकिन लिए थक गए। घर तो जाना है, अभी घर जा रहे हैं ना। नहीं मतलब थोड़ा तमाशा भी आपने निकाला, ये देख लिया जाए, अच्छी बात है, करना चाहिए, बोलना चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? नरपत सिंह। नरपत सिंह जी राजस्थान से। नरपत सिंह जी राजस्थान से, तो आए राजस्थान से, क्या रहते हैं? यहाँ सानी चौक में सर्विस करते हैं। सानी चौक में, अब यहाँ जाएंगे राजस्थान? नहीं, राजस्थान नहीं, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं शास्त्री नगर। शास्त्री नगर में जी। तो क्या लग रहा था, क्या हार क्यों हुई उनकी, और उनकी इतनी बड़ी जीत हुई तो कैसे हुई? हंसते क्यों यार तुम, जब मैं हर सवाल पूछते हो तो मोदी लहर है, हंसी तो अपने आप आती है। मोदी लहर है और सांसम कहते हैं मोदी को वोट दे रहे हैं। देखो कितना आसानी से बता दिया। क्या नाम हो गया गुरु? सचिन। सचिन कहाँ के रहने वाले यार? मैं यहीं का, दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के हो? और वैसे पीछे से कहाँ से आते हो? ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश के, तो बिल्कुल साधारण सी बात है यार। कहने लगे भाई मोदी लहर है, काहे के लिए इतने बहस के, 1 घंटे से उलझाए पड़े हो लोगों को पूछे कैसे मोदी लहर बनी कैसे, ये जब पूछेंगे ना, काम के कारण बनी है मोदी जी ने, जो तो काम किया भाई, काम के वजह से बनी। देखिए सर, काम की वजह से ठीक है मानते हैं, लेकिन जो आप दिल्ली का डेवलपमेंट देखेंगे आज, जो कांग्रेस करके जा चुकी है, शीला दीक्षित की देन है ये। शीला दीक्षित की देन ना, तो आप पार्टी ने अभी तो कोई कार्य करा दिल्ली के लिए? हाँ। जो मेन स्टेट में गवर्नमेंट बैठे है। हाँ। और ना ही अभी मोदी जी ने दिल्ली के लिए कुछ करा, जहाँ तक मेरी वो है। नहीं, आपकी आपकी जानकारी सही है। बाकी जो दिल्ली का डेवलपमेंट पीछे देख रहे हैं तो वो सिर्फ शीला दीक्षित कांग्रेस की देन है, वो सब दिखाई पड़ रहा है जो जी। डेवलपमेंट जो है भ्रष्टाचार भी था, जो शीला दीक्षित की सरकार थी। हमाम में सब नंगे, हमाम में सब नंगे, हमाम में सब नंगे, सुनाई नहीं पड़ा, हमाम में साहब सब नंगे। लेकिन अभी आप कुछ, अभी कुछ दिखने बाकी हैं, अभी कुछ दिखना, दूध में धुले नहीं। नरपत में आया, मैं आया, नरपत जी बोल रहे थे, नरपत जी को मैं, मुझे देखा नहीं जा रहा, नरपत जी इतना भारी वजन लिए हैं, मुझे देखा ही नहीं जा रहा बार बार। नरपत जी जल्दी बोलियो, घर जाइए। यहाँ क्या कहना चाह रहे थे? बस कुछ नहीं, बस मोदी जी की लहर है, मोदी जी आए हैं तो जरूर इस काम करेंगे, मनोज तिवारी जी आए हैं तो जरूर काम करेंगे, इसमें जो वादा किया वादा करते ही हैं, कभी झूठे पीछे हटते नहीं है, जो बोलते हैं वो सीना खोल के बोलते हैं, पब्लिक उनके पीछे ही है आज भी। मोदी 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 आर आर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, तो मैंने कहा कि हमारी समस्या अपने पर जी, आपने बोल तो लिया ही है, अब कुछ और रह गया बोलने की? या तमाशा देखेंगे अभी? नहीं, सब खड़े हैं, तो तमाशा देखेंगे तो ठीक है, तो आप खड़े रहिए, तमाशा देखिए। हाँ जी बाबूजी, बाबूजी भाई साहब 10 साल से तो ये लोग मौजूद थे, ये आए को ही तो जीते हुए आए हैं, जीते हुए आए और क्या, किसकी थी बताइए आप, क्या था अब बताइए ना, ये तो जीते हुए आए हैं 10 साल से, किसकी सरकार थी? बीजेपी की। बस तो फिर अब किसकी है? बीजेपी की। फिर क्या हुआ, क्या बदलाव आया? नहीं, वो कह रहे कि ईवीएम बीच में आ गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो ऐसा होता है कि सब चीज का सिस्टम है, लेकिन जो हो रहा है ना वो तो कचके, जो आप लोग मौजूद हो उसको तो करके दिखाओ ना। अब ये 4 आदमी आ गया, हर मोदी घर मोदी हर, इससे मसला नहीं हल होगा भाई साहब, इससे मसला नहीं हल हो रहा, हमारे मुद्दे जो है वही मौजूद है। केजरीवाल तो जीत भी जाते ना तो, फिर आपने फिर केजरीवाल जी की तरफ क्यों नहीं देखा, ये मुझे बताइए। आदमी कह रहा है बीजेपी को काम नहीं किया, बीजेपी ने काम नहीं किया, वोट बीजेपी को दे दिया। अगर ईवीएम वाली बात हम किनारे कर दें तो आज एक बात ध्यान रखिएगा, जब तिकोनिया मुकाबला होगा तो एक आदमी जीतेगा, 2 जगह वोट कटेगा। अच्छा, ये तिकोनिया मुकाबला था, यूपी में क्या हुआ? अरे भाई साहब, वो यूपी में तो 325 और यहाँ का जो आंकड़ा देखिए 180 के आसपास। मेरी बात नहीं समझना भाई। नहीं, मैं बात समझने पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वोटिंग परसेंटेज भी अगर निकाल लेंगे तो कहाँ कट रहा है, कौन सी चीज कट रही है? सब जगह कट रही है भाई साहब, जो कुछ हो रहा है सब कुछ आपके सामने हो रहा है। सर,
कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया और आम आदमी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने क्या किया? भ्रष्टाचार किया और आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। क्या किया? भ्रष्टाचार। जोर से बोला कर सुनाई नहीं पड़ रहा है। शीला दीक्षित के राज में काम जरूर है लेकिन भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार किया। सिर्फ मोदी लहर है। मोदी मोदी मोदी। अरे तुम तो ऑटो वाले भैया। मोदी लहर है। ऑटो वाले भैया तो अरे रुकिए गुरु जी, सच करो मोदी लहर। ऑटो वाले भैया मोदी की लहर। अच्छा पहले तो तुम केजरीवाल वाले थे। अरे छोड़ो ना केजरीवाल, मोदी लहर में सब बह रहे। जब भाव आता ना सब बहते चले जाते हैं। भेड़ बकरी सुअर हाथी सब बह रहा है। सब बह रहे, सब बह रहे, सब बह रहे। नहीं रही जब जिधर पैर फिसल गया सब बह रहे। तो भैया कहाँ पे? कौन सा किसकी लहर है? मोदी सब ऑटो वाले। एक मिनट, इमेज आदमी की ऐसे नहीं बनती, इमेज काम करके बनती है। एक मिनट इमेज आज बीजेपी की बनी है तो काम करके बनी है, इमेज ऐसे नहीं बनती। और कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार हुए और केजरीवाल के टाइम में भ्रष्टाचार हुए। मोदी जी को आज 2-3 साल हो गए केंद्र में आए, उनके एक भी मंत्री भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? बताइए पहले बताओ काम हुआ है? तब काम हो काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है जी। भाई साहब एक बात बताइए, जितना दिल्ली के अंदर काम हुआ है वो किसने किया है? वो किसने किया आप बताइए? मेट्रो किसने, पूरा सिस्टम किसने बनाया? आप सिर्फ मोदी लहर है मानते हैं, लेकिन जो कुछ किया है वो सब कुछ कांग्रेस ने किया है। ये कांग्रेस की देन है। दिल्ली का जितना डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। अरे हमारे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे भाई? आप एक बात बताइए, आप अपने कॉलर के अंदर देखोगे तो सब कांग्रेस ही निकलेगा। मामला जो कुछ करा हुआ है कुछ नहीं है। बताइए विकास कांग्रेस ने क्या? विकास में अब तक क्या हुआ दिल्ली में? कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने कुछ नहीं करा। हटिए, वोट जा रही है। उनका जवाब सवाल, लोग कह रहे हैं जो कुछ दिखता है फ्लाईओवर दिखते हैं, सड़क दिखती है, जो थोड़ा डेवलपमेंट। पूछिए राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखता? शीला दीक्षित जो कह रहे इतना अच्छा काम किया तो शीला दीक्षित जी ने क्यों उन्हें हटा दिया? और उत्तर प्रदेश में उनके साथ क्या फजीती की? अगर वो आपकी नेता थी, अच्छा काम करती थी, तो फिर क्यों उत्तर प्रदेश में उनको अनाउंस किया और फिर हटा लिया? उनका इतना बेइज्जती किया? जनता ये देखती है, अरविंद केजरीवाल को भी देखती है, उनके कितने लोग भ्रष्टाचार में एक के बाद मंत्री का नाम आ रहा है, वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे। तो जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है एक स्वच्छ सरकार हो जो ईमानदारी से काम करे, देश के विकास के लिए काम करे, रोजगार के लिए काम करे, और ऐसे नहीं हवा बनती। एक मिनट रुकिए बड़ी, अरे गुरु जी रुकिए, बड़ी खबर आ रही है, खबर तो सुन लीजिए। दिलीप पांडे जी ने इस्तीफा पेशकश की थी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। तो अब ये इस्तीफे की भी राजनीति चल रही। उधर कांग्रेस वाले उन्होंने भी कहा है, कई लोगों ने कहा है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। अजय माकन जी ने भी कहा, पेशकश की है अलका लामा जी ने, इधर आम आदमी पार्टी ने भी कहा है। मैं बोल रहा हूँ सारा काट दीजिएगा आप, एक बात ध्यान रखिए, मोदी जी ने अपना दिमाग हटा के योगी जी की तरफ मोल के आज उनके बालों का डीएनए टेस्ट हो रहा है। सर ऐसे है, सरकार अपना दिमाग हटा के उन्होंने योगी जी की तरफ मोड़ दिया, अपने मुद्दे खत्म कर दिए। वो जब भी बीजेपी को कोई भाई साहब, ये जो हुआ है, ये जो बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, सिर्फ योगी जी के कारण आई है। योगी जी ने अच्छा काम किया है इसलिए डबल सीटें आई है। योगी जी अच्छा काम नहीं करते तो आधी सीट भी नहीं आती। दिल्ली के तो सोचा पहुंचे, दिल्ली में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। और क्या हुआ 10 साल में? ये क्या कॉर्पोरेशन देख लो, जो देश का नहीं हो किसी का नहीं। कम से कम ये देशभक्त लोग तो है, मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हिंदुस्तान में। एक ही रास्ता है, मोदी जी का रास्ता। और योगी जी कुछ भी नहीं हुआ। और मोदी जी, मैं 23 साल से चांदनी चौक में आ रहा हूँ, आज ऐसे ही ट्रैफिक मिलेगा आपको। 10 साल में क्या करा एमसीडी ने? मैं सच्चाई बता रहा हूँ सर आपको। उतावले ना हुई निकाल देगा। मजा तब होता जब काम करो, कमी निकालना तो बहुत आसान सा काम है। सर आप चाहे कांग्रेस आई, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। एक मिनट आप पहले मेरी बात तो सुनो। हमने पिछली बार आम पार्टी को दिया था, इस बार नहीं दिया। का नाम लिया हमने न्यूट्रल गांव। एक आम नागरिक की तरह देखो, मैं 30 साल से यहाँ आ रहा हूँ, आपने क्या सुधार देखा चांदनी चौक में? सिंपल जी आए, हर्षवर्धन जी आ गए, फलाना आ गया। आज वैसे पब्लिक पिस रही है, भीड़ के अंदर मर रही है, कोई ट्रैफिक की कोई सिस्टम नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, मैं सिंपल सवाल रखता हूँ, अरविंद केजरीवाल इसी मुद्दे पे इसी लाइन पे कह रहे हैं कि लोगों की परेशानियां इतनी है, परेशानियों के बावजूद हाँ। वोट जो है वो बीजेपी को तरफ जा रहा है, तो उनको संदेह हो रहा है कि ये जो लहर है वो ईवीएम की है। करेगा वो भी कुछ नहीं, करेगा वो भी कुछ नहीं। आंगन टेढ़ा, ईवीएम तो एक बहाना है बस। ये अब काम होगा आगे, योगी योगी योगी।
हार गए तो यही होगी, हार गए तो ईवीएम है, अदरवाइज ईवीएम नहीं है। बस ये जो देश का नहीं वो किसी का नहीं, कम से कम लोग देशभक्त तो है। हम जम्मू कश्मीर से भाग के आए हुए हैं, क्यों आए हुए भाग के? सारे ये नेहरू जी के कारण, कांग्रेस के कारण, बड़ा मसला है ये, बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, बड़ा मसला है और बड़ा मसला है। बंगले छुंगले जी सवाल सौंदर्यकरण कह रहे थे, ये क्या सौंदर्यकरण हुआ सर? मैं ये पूछ, शाहजहानाबाद का, शाहजहानाबाद ना ना, ये चांदनी चौक का, वही शाहजहानाबाद का हिस्सा जी। सर क्या हुआ आप बताओ, क्या 10 साल में क्या फर्क देखा? मुझे तो कोई 30 साल से फर्क नहीं दिख रहा, कोई फर्क नहीं है बिल्कुल। जरा सा भी अगर इस पब्लिक में से कोई भी कह दे हाँ जी ये फर्क है, बोलो, कोई फर्क नहीं है। 30-35 साल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और बदतर हुआ यहाँ पे हालात। दिस इज द बेटर देन लास्ट, ये पिछली बार कोई 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 उसके बाद भी लहर है, और इसी लहर पर हम बात करेंगे। वक्त छोड़ से ब्रेक का पाजी, चांदनी चौक में आए और आपने चाट नहीं देखी, खाई नहीं, तो बात अधूरी है, क्यों ना भाई? सही बात है। बहुत चटोरे आदमी हो यार तुम। हाँ जवान है तो चाट खाते हैं, क्या बात है। क्या नाम हो गया भैया तुम्हारा? रमेश। तो रमेश भैया कितने साल हो गए यहाँ तक? 7-8 साल हो गए। वो रेडी पटरी वालों का एक लाइसेंस मिलने का वादा था, वो मिल जाएगा? मिल गया अभी है कोई लाइसेंस? मिला जी, मिलने का वादा तो कराया जरूर। क्या मिलने का वादा किया है? इधर खड़े हैं बीजेपी वाले, तो मिलेंगे वादा, हो जाएगा पूरा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल पूरा होगा। तो आपने एक बहुत बड़ा वादा किया है यहाँ पे दिल्ली में कि रेडी पटरी वालों को संगठित करेंगे और उनको एक लाइसेंस दिए जाएंगे। जैसे देखिए, रोजगार की बहुत बड़ी देश की समस्या है, जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है और जो देश में पूरा किसान वर्ग है, उनके लिए रोजगार की बहुत सारी समस्याएं हैं। और शहर में खासकर रेहड़ी वाले और पटरी वाले, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, रिक्शा चलाते हैं, इन सब की सब समस्याओं को बहुत ध्यान से हम देख के इसकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। भाजी एक बात बताओ आप। जी सर, यही बात तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, तो उनकी बात पे क्यों विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को? हमें विश्वास इसलिए नहीं हो रहा, वो तो है झूठा एक नंबर का था। तो वो एक नंबर का झूठा था, उसे क्या किया वादा करके सारा मुकर गया। आज उन्होंने तो बहुत जो ईवीएम पे आज आरोप लगा रहा है, वो कल तक उसी ईवीएम पे 67 सीट जीत के आए, 70 में से 67, और आज वो आरोप लगा रहा है, सोचने वाली बात। आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। जिस आदमी ने जो अपनी औकात बना रखी है। अरे ऐसे नहीं बोला जाता भाई, चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आदर से बोलना चाहिए। है क्यों भाई रमेश भाई? सही बात, बात तो सही है। देखो ऐसे तो नहीं बोला, ऐसे ना बोलो मेरे सामने, तो ना बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। पार्टी में काम किया और लगे कि हाँ कि हमने ये देखा कि एक आम नागरिक की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन जब देखा कि यहाँ तो धोखेबाजी हो रही है। आप बात है हाँ जी बिल्कुल। आगरा में एक बार हमने बुलाया, आगरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह उस समय झूला लेके चलते थे। वो इतिहास छोड़ दीजिए भाई, अब आप छोड़ दीजिए, वो इतिहास छोड़ दीजिए, मैं ज्यादा जानने के बाद नहीं। लेकिन जो हुआ, जी हाँ, लहर की, ईवीएम की लहर या मोदी की लहर, तो उसमें कौन कौन बहे, कौन कौन रहे और कौन कौन लोगों ने आरोप लगाया और किसने इस्तीफे की पेशकश की, रमेश भाई पहले देख लेते हैं, आज ये भी देख लिया जाए चलते चलते। ये काम की लहर थी, जो मेरी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा मैंने तय किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा और एक साधारण कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी में कार्य करूंगा। कमियां रही होंगी बिल्कुल, उस पर मैं विचार कर रही हूं कि मेरे से खुद से पर्सनल एक विधायक के तौर पर कहां चूक हुई है। कांग्रेस जिस कारण से हार रही है उसमें अजय माकन का जितना दोष नहीं है, उन्होंने खुद जल्दी से डिसीजन लिया। दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद विपक्षी पार्टियों में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। खास तौर से आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है। चुनाव के पहले से नतीजा आने तक ईवीएम पर सारा गुस्सा उतारते हुए आम आदमी पार्टी नेता अब आत्ममंथन की बात करने लगे हैं। जनता के पास जाके पूछेंगे कि भाई क्या हमसे गलती हुई, ईवीएम के बियॉन्ड जाके पूछेंगे। 2 साल पहले के प्रचंड बहुमत के बाद आज अगर इस प्रकार का नतीजा आया है तो हमें भी सोचना होगा और एक बार जनता से जाके पूछेंगे भी कि क्या कमी रह गई है, कहां कमी रह गई है।
इस करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में इस्तीफे के साथ ही बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। पार्टी के भीतर से भी अरविंद केजरीवाल पर उंगलियां उठने लगी हैं। ताजा हमला आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने किया है। एक इंटरव्यू में मान ने कहा, ईवीएम में गलती ढूंढने का कोई मतलब नहीं, जब पार्टी नेतृत्व ने चुनाव की पूरी रणनीति को लेकर ऐतिहासिक भूल की हो। हार के कारणों की जांच के लिए पार्टी को सबसे पहले अपने अंदर की कमियां देखनी चाहिए। सुकमा में जवानों की शहादत की वजह से बीजेपी दफ्तर में इस जीत पर बड़ा जश्न नहीं मना, लेकिन कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े जरूर बजाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस जीत पर ट्वीट कर दिल्ली की जनता का आभार जताया। बीजेपी में विश्वास रखने के लिए दिल्ली के लोगों का आभारी हूं। एमसीडी में जीत दिलाने के लिए दिल्ली बीजेपी की टीम ने कड़ी मेहनत की। अरविंद केजरीवाल की आंदोलन और ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी का असर ईवीएम पर जरा भी नहीं हुआ। नतीजे एग्जिट पोल जैसे ही आ गए। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तय करना है कि दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे या राजधानी को सियासी दांव पेच का अखाड़ा बनाएंगे। पाजी क्या बात है, चांदनी चौक शाम को नजर आने लगा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और इन सब खूबसूरती के बीच में लोकतंत्र की भी खूबसूरती देखिए। अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल जी ने, कहा कि मैं मिलकर काम करूंगा, तो अच्छी बात हुई। बिल्कुल स्वागत करते हैं, अगर देर से भी आया घर लौट के आदमी आया तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि एमसीडी के साथ मिलकर काम करेंगे। हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप ये जो संघर्ष की राजनीति ना करें, जनता इसको पसंद नहीं करती। देश की जनता जितनी जल्दी व्यक्ति को प्यार करती है, अगर उसने उसकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पे अगर खरा नहीं उतरा तो उतनी जल्दी उसको अपने सर से कुर्सी। बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ 15 सेकंड के लिए जा रहा हूँ, 15 सेकंड बाद फिर यहीं आ रहा हूँ और तब तुमसे पूछेंगे। क्या नाम तुम्हारा? वसीम। वसीम भाई, क्या काम करते हैं वसीम भाई? प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। तो कौन सी वेब मशीन पे काम करते हैं या हेडवर्क पे? वेब पे काम करते हैं। तो वोट कहाँ के रहने वाले हैं? सर यही है, बल्लीमान। बल्लीमान के? तो क्या आपके यहाँ तो वो जीत आम आदमी पार्टी जीती? जी। अच्छा काम कर रही है आम आदमी पार्टी। हाँ, इसमें कोई दोराय नहीं, कोई दोराय नहीं, उसमें मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है आपकी। हाँ बताओ वसीम भाई। 10 साल एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, ठीक है? आप कहते हो केजरीवाल ने काम नहीं करा, तो बीजेपी वालों ने क्या काम करा बता दो। हमारे तरफ बहुत गंदगी है। वसीम भाई, हमारी तरफ भी बहुत गंदगी है। तो सिर्फ सर साफ कौन करेगा? केजरीवाल थोड़ी ना साफ करेंगे, एमसीडी वाले तो साफ करेंगे। बिल्कुल। तो फिर फिर का यही जवाब तो पब्लिक तो यही चाहिए, फिर सफाई हो। वसीम भाई, इसी फिर के जवाब में चाहिए सफाई हो। वसीम भाई, इसी में केजरीवाल जी कहाँ गए? वसीम भाई बता दो भाई। वसीम भाई, इसी फिर के जवाब में तो एक घंटा हमने यहाँ पे लोगों से बात कर ली। पूछो ना। हाँ वही पूछ रहे हैं। वसीम भाई क्या करें बताओ, अब इस फिर के चक्कर में फंस गए ना? क्यों भाई, आपने तो पान खा लिया होगा, बोलेंगे नहीं अब तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बोलेंगे तो बताइए, वसीम भाई ने कहा पूछा है उसे? वो कोई बात नहीं। मोमडन लोग तो वैसे ही नहीं बीजेपी के खिलाफ। छोटी बात नहीं करनी चाहिए। छोटी बात से बात बिगड़ जाती है जी। सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से? मैं चला गया था। अच्छा, अब आ गए, मुझे बहुत खुशी है। तो इलाका तो बल्ली मारा नहीं है आपका? और साहब गालिब की गलियों में आप घूमते हैं, कितने खुशकिस्मत हैं आप। तो बताइए आप, क्या होगा, कैसे हालात होंगे? गजल अच्छी बनेगी दिल्ली की या बिगड़े हुए? देखिए, जो बनाना चाहते थे वो तो बिगड़ ही चुके। क्या बात है, वाह साहब, क्या होता, अब कैसे बिगड़ी हुई चीज को बनाना? वैसे गजल अगर एक बार बिगड़ जाए तो उस्ताद बनाना बड़ी मुश्किल होती है। बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है गजल को सुधारना, क्योंकि इन लोगों में भाव बहुत थे। हाँ। सोचा था ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब यहाँ तो रहे ही नहीं, जहाँ काम करना था। हाँ। केजरीवाल साहब को यहाँ तो रहा, क्या काम करा नहीं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, दूसरे के ऊपर छोड़कर। तो ये मसला जो था, ये जो मसला था, ये मुश्किल वाला था। और यही कांग्रेस का रहा, आपस में जब इत्तफाक नहीं होगा तो आपसे आप दूर ही हो जाएगी। कोई बड़ा नेता था ही नहीं बोलने वाला। क्या बात है, किसी सीधी सी सरल सी बात समझा दी। बस कांग्रेस जो पीछे हुई है इसीलिए हुई है कि कोई नेता नहीं था। हाँ, शीले जी से पूछा ही नहीं, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना बता। तो तमाम लोग इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं आज। केजरीवाल ने भी इस्तीफा देने की मंजूरी कर ली है? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं, लेकिन उनके यहाँ
पांडे जी ने तो कह दिया कि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया, हल्का लामा जी ने पेशकश कर दी है, उधर अजय माकन जी की तरफ से भी हो गया, तो तमाम अभी माकन जी तो हट ही गए एकदम, जैसे कह दिया अब मैं नहीं आऊंगा जी। लेकिन तमाम मुद्दों के बीच में पाजी हमारी और तुम्हारी कहानी भी दिल्ली चुनाव में एमसीडी में खूब चली, तो ये अध्याय पाजी यहीं खत्म कर लें या अभी और मन है तुम्हारा? पाजी तुम ही तय करोगे, हम कहां तय करने वाले। आज इतना ही रखो बस, फिर मिलेंगे, बात करेंगे।